formed from the letters of the word joke. आपको एक वर्ड दिया है जोक और उसमें चार लेटर्स हैं जे ओ के ई. आपने इनको ऐसे अरेंज करना है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ही पूछे हैं आपसे, ताकि जो वॉवल्स हैं और कॉन्सनेंट्स हैं, इसके अंदर कुछ वॉवल्स हैं कुछ कॉन्सनेंट्स हैं, वो हमेशा ऑल्टरनेट आने चाहिए. ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? मतलब अगर पहले वॉवल आएगा तो फिर कॉन्सनेंट आना चाहिए, फिर वॉवल, फिर कॉन्सनेंट, या अगर पहले कॉन्सनेंट है तो फिर वॉवल, कॉन्सनेंट, वॉवल. आंसर भी बता दिया मैंने आपको, ये जो बोला मैंने अभी, ये आंसर आपको बता दिया है मैंने. एनडीए का सवाल है. अरे बड़ा आसान है, मैंने कहा था ना आपसे, मैंने कहा था ना दिमाग है भैया, मतलब ये अभी तो शुरुआत है, मैं कह रहा हूँ अभी तो शुरुआत है. हमने पूरी प्रोबेबिलिटी में यही करना है बेटा, और कुछ करना ही क्या है हमें बाद में. तो लास्ट में प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ आर फेवरेबल आउटकम एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. वो आउटकम निकालना यही होता है, बाद में फिर डिवाइड कर देना हमने और हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी. तो प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकली तो बहुत ईजी है. प्रोबेबिलिटी इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स. टोटल आउटकम को हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं. हमें डिवाइड करना है, लेकिन वो फेवरेबल आउटकम निकालना और वो टोटल आउटकम निकालना इज़ महाभारत, और वही हम पीएनसी में सीख रहे हैं. ठीक है, अब आपको इनको ऐसे अरेंज करना है कि वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स ऐसे करके आए, पहले वॉवल्स और कॉन्सोनेंट, वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट शुड ऑल्टरनेट, का मतलब है वॉवल के बाद वॉवल नहीं आना चाहिए. तो हम क्या करेंगे, आप किसी से भी शुरुआत कर दो. आप पहले अगर कॉन्सोनेंट से शुरुआत करोगे, इफ़ यू स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट, तो उसके बाद वॉवल आएगा, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल. या तो ये तरीका हो सकता है, या लिख रहा हूँ बेटा आप लोग, या पहले वॉवल आ सकता है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवल, फिर कॉन्सोनेंट. ये दो तरीके हैं ना, इसलिए आठ आंसर आता है. ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, सपोज मैंने अगर यहाँ पर क्या करा, पहले अरेंज क्या करा मैंने, जे सपोज कॉन्सोनेंट, ठीक है, इसका या का मतलब क्या होता है, प्लस. तो मैंने दो जगह किसके लिए कर दी फिक्स, दो जगह मैंने वॉवल के लिए फिक्स कर दी और दो जगह मैंने कॉन्सोनेंट्स के लिए फिक्स कर दी. क्या बोलते हो? हाँ, आई हैव फिक्स टू प्लेसेस फॉर कॉन्सोनेंट्स एंड टू प्लेसेस फॉर वॉवल्स, एंड आई हैव टू कॉन्सोनेंट्स एंड टू वॉवल्स. अच्छा, तो दो जगह में दो कॉन्सोनेंट्स को रखने के तरीके कितने हैं? टू फैक्टोरियल. कहानी खत्म नहीं हुई. इन टू, अच्छा, दो जगह में दो वॉवल्स रखने के तरीके भी क्या है? टू फैक्टोरियल, मतलब दो तरीके हैं. या को मैं बोलता हूँ प्लस, या मतलब प्लस. या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं शुरुआत कर सकता हूँ वॉवल से. तो यहाँ पर भी दो वॉवल्स को दो जगह में रखने के तरीके इन टू दो कॉन्सोनेंट्स को रखने के तरीके. तो यहाँ से आ गया 4 + 4, हाउ मेनी वेज? 8 वेज. अच्छा सवाल है, दोनों ही तरीके देखने हैं आपने. अरे यार, इसको बंद करना पड़ेगा, ये एग्जॉस्ट भी इन्होंने उससे दे रखा है. क्या बोलते हो, कोई शक? अगला सवाल लिखना, एक और सवाल दे देता हूँ. ठीक है, एनडीए का एक और सवाल है जो थोड़ा सा अच्छा है, मतलब दिमाग लगाने वाला है. फिर उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट में आएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग सर्कुलर परम्यूटेशन में आएंगे, वो भी आसान है. ठीक है, लेकिन अच्छा है दिमाग, दो तीन सवाल करेंगे आज. चलो, लाइट भी आ गई. अगला सवाल लिखना, इन हाउ मेनी वेज कैन बी the letters of the word, in how many ways can be the letters of the word cable be arranged so that vowels should always occupy odd positions, so that vowels should always occupy odd positions. ये भी एनडीए का सवाल है. आपने केबल, जो आपको वर्ड दिया है, उसके लेटर्स को ऐसे अरेंज करना है कि उसमें जो वॉवल्स हैं वो दे शुड ऑलवेज कम इन odd positions. वो हमेशा odd positions में आने चाहिए. तो अगर मैं केबल में कितने हैं टोटल, 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5, इन पांचों में से ऑड पोजीशन कौन कौन सी है? फर्स्ट
is the odd position, third is the odd position, and fifth is the odd position. बहुत ही आसान सवाल है फिर से. और इन odd positions में हमेशा क्या आना चाहिए? Vowel आना चाहिए. तो यूँ हो जाएगा आपका सवाल. कौन सा method use करोगे? Box method या फेंकने वाला? हाँ ring method. हाँ फेंकने वाला ring method, क्योंकि जगह ज़्यादा है और vowels कम है. अगर आप ध्यान दोगे तो यू हैव सी बी एल, यू हैव थ्री कॉन्सोनेंट्स एंड यू हैव टू वॉवल्स और जगह यहाँ तीन है. तो फेंकोगे वॉवल को? फेंक लो पहले. मैंने क्या कहा था यार, वॉवल्स दो है बेटा, जगह कितनी है इनके लिए आपके पास? तीन जगह है. देखो ना, अब इतने अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए कितने ईजी हो रहे हैं अगर आपका बेसिक फंडा क्लियर है. तो नहीं तो अच्छे अच्छे नहीं कर पाते बेटा ये सवाल. ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले फेंक लेता हूँ, पहले वॉवल्स को फेंक देता हूँ. तो वॉवल्स के लिए मेरे पास तीन जगह है. एक वॉवल को मैं कितनी जगहों में फेंक सकता हूँ? तीन जगहों को. एक फिट हो गया, सपोज वो यहाँ फिट हो गया. मेरे पास बचा फिर एक और वॉवल. एक और वॉवल को मैं कहाँ फेंक सकता हूँ? वन में भी फेंक सकता हूँ, थर्ड में भी फेंक सकता हूँ. कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं. चलो वो यहाँ फिट हो गया, तो रिमेनिंग कितनी जगह बची? तीन जगह. और तीन जगहों में आप तीन कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के तरीके कितने हैं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक जगह तो बचनी है. किसके लिए? बाकी के तीन कॉन्सोनेंट्स के लिए. भैया वॉवल्स मेरे पास दो हैं लेकिन अवेलेबिलिटी जगह तीन है. फॉर एग्जांपल अगर किसी की शादी होती है, सपोज यहाँ पर सात लड़कियाँ हैं और लड़का एक है ना, तो लड़का क्या करेगा? शादी तो एक ही से होनी है लेकिन अवेलेबिलिटी तो सारी है उसके पास. चुन तो किसी को भी सकता है वो. और अगर एक ही लड़की ले आऊँ तो मैं, तब तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं है. सिमिलरली इन दो वॉवल्स के पास यहाँ पर अभी तीन ऑप्शंस हैं, लेकिन जाहिर सी बात है दो लोग दो ही जगह में बैठेंगे, एक 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 ने तो खाली बच जाना है ना. जैसे सात लड़कियाँ एक लड़का है तो एक ही लड़की से तो शादी होंगी, बाकी रिमेनिंग छः तो बच जाएंगे, लेकिन ऑप्शन तो था उसके पास किसी को भी चुनने का. तो ऑप्शन तो था इनके पास उन सीट्स में बैठने का, इसलिए ऐसे मेथड यूज़ करते हैं. व्हाट विल बी माय आंसर? कोई शक? आंसर इज 36. आगे बढ़े या है समझ में? क्वेश्चन लिखना. इन अ पार्टी देयर आर 100 पर्संस इन अ पार्टी देर आर 100 persons, comma, in a party there are 100 persons, comma, each person shake hand with every other person, comma, each person shake hand with every other person. Each person shake hand with every other person. Find the number of handshakes. ठीक है? You have to find the number of handshakes. ठीक है? 100 लोग हैं और आपसे कह रहा है कि हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से हैंडशेक करेगा. ठीक है? हाँ अच्छा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कितने बैठे हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बच्चे हैं हम यहाँ पर. ठीक है? अगर हम 9 बच्चे हैं तो अगर हम हैंडशेक करेंगे कोई भी किसी से भी कर सकता है, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने आएंगे? जैसे मैं आपसे भी मिला सकता हूँ, फिर आप भी किसी से भी मिला सकते हो, आप यहाँ भी मुझसे भी, तो कितने डिफरेंट हैंडशेक्स आएंगे निकल के 100 में से? अब टोटल कितने लोग हैं? 100 हैं क्वेश्चन में टोटल कितने लोग हैं? 100. और हैंडशेक के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? तो हमेशा याद रखना आप, हैंडशेक का ये बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मूला है दैट इफ देयर विल बी एन पर्संस एंड टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स विल बी नथिंग बट NC2 handshakes. ठीक है? 100C2. अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो 100C2 विल बी द आंसर. अगला लिखना. नेक्स्ट ये अच्छा है. हाँ हाँ ठीक है, ओके. 100C2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो यू गेट सम आंसर.
ठीक है. अच्छा अगला है, कंसिडर अ सेट ऑफ, अगला सवाल लिखना, कंसिडर अ सेट ऑफ सिक्स पैरेलल लाइंस. ठीक है, देर आर सिक्स पैरेलल लाइंस. कंसिडर अ सेट ऑफ सिक्स पैरेलल लाइंस विच कट अनदर सेट ऑफ फाइव पैरेलल लाइंस. Full stop. Find the numbers of parallelogram formed. ठीक है. अच्छा अब कितने पैरेललोग्राम बने हैं ये आपको फाइंड करना है. अच्छा बेटा याद रखना, पैरेललोग्राम के केस में आपको पता है ना, अब आपको क्या दिया है, आपको कुछ लाइंस दी हैं, कुछ पैरेलल लाइंस दी हैं और वो एक दूसरे को कट कर रही हैं. ठीक है, कंसिडर अ सेट ऑफ सिक्स पैरेलल लाइंस. अच्छा सिक्स में कैसे भी बना सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली. चलो मैं हॉरिजॉन्टल बना रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब दूसरी सेट ऑफ पैरेलल लाइंस जो कि फाइव पैरेलल लाइंस है वो इसको कट कर रही है. बेटा कट तभी करेंगे जब वो ऐसे होंगे स्ट्रेट, टेढ़ी भी होंगी चलेगा क्योंकि पैरेललोग्राम तो बनेगा तब भी. ठीक है, तो मैं स्ट्रेट स्ट्रेट कितनी, ये कितनी लाइंस हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और मेरे पास फाइव और लाइंस है, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 So there are five vertical and six horizontal parallel lines. आप किसी को भी horizontal vertical ले सकते हो, doesn't matter. But the number of parallelograms formed कैसा आएगा, ध्यान से देखना, ये important है. अब आपको ये समझना पड़ेगा, बट अब देखो parallelogram बनाओ तो ये भी एक parallelogram है, this is also a parallelogram, ना एक ही हो गया. आप ऐसे नहीं कि 1, 2, 3, 4 फिर 1, 2, 3, 4, 5 5 4 20 नहीं बेटा, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है पूरा लंबा, ये भी तो एक पैरेललोग्राम है इतना और एक पूरा लंबा भी तो एक पैरेललोग्राम है. तो ऐसे देयर आर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स फॉर्म्ड. ठीक है, तो क्या है निकालने का तरीका, आप सिर्फ एक को कंसीडर करो. सपोज इफ आई कंसीडर दिस, सपोज दिस इज अ पैरेललोग्राम, एक ही पैरेललोग्राम है, तो मैंने क्या करा अगर मैं देखूं वर्टिकल लाइंस, अगर मैं वर्टिकल लाइंस देखूं तो पांच वर्टिकल लाइंस में से मुझे कम से कम कितनी वर्टिकल लाइंस चाहिए पैरेललोग्राम बनाने के लिए, दो. पांच में से मुझे दो चाहिए, क्या मेरा पैरेललोग्राम बन जाएगा, ना. उसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल में से भी कितने चाहिए, दो. इनटू सिक्स में से भी कितने चाहिए, दिस इज योर आंसर. द टोटल नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स फॉर्मड आर, देर आर फाइव वर्टिकल लाइंस, उसमें से भी दो चाहिए, इनटू सिक्स से भी दो चाहिए, एंड अंडर प्रोसेस, वेरी इजी. तभी तो पैरेललोग्राम में कितनी होती है बेटा, कितनी लाइन, एक पैरेललोग्राम जब भी बनेगा उसमें कितनी साइड्स होंगी, चार. तो दो यहाँ से आ गई चार. ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी अदर एग्जाम्स में भी पूछे गए, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स फॉर्म. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इज ओनली हियर इन द पिक्चर ना. अच्छा एक और अच्छा सवाल है, उसको भी कर लेते हैं. ठीक है, तो कॉम्बिनेशन कितना आसान है ना, ये बड़ा अभी आने वाला है बेटा प्रोबेबिलिटी में. ठीक है, तो हमने कुछ नहीं करना, हमने देखना है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं और हमें कितना उससे कितने ऑब्जेक्ट्स हमें लेने हैं. ठीक है, वो हमें देखना है, वो हमें आना चाहिए. अगर वो आ गया तो बहुत ईजी होगा, और जो चीज़ अंडर प्रोसेस है वहाँ पर इंटू आएगा, और जहाँ पर एक प्रोसेस ख़त्म हो गई और वही प्रोसेस दूसरे तरीके से भी हो सकती है तो या मतलब प्लस आएगा. जैसे अभी हमने देखा था वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑल्टरनेट वाला, तो एक जगह जब मैंने वॉवल्स को पहली पोजिशन में लिया तो तब भी ऑल्टरनेट आ रहा था, एक कंडीशन वो भी थी, या जब मैंने कॉन्सोनेंट को पहले लिया तब भी ऑल्टरनेट आ रहा था, तो तब मैंने वहाँ पर क्या यूज़ किया, प्लस यूज़ किया. अगला क्वेश्चन लिखना, अच्छा सवाल है, In how many ways can seven different colors
of a rainbow, seven different colors of a rainbow. Rainbow, Indradhanush, rainbow can be arranged. Rainbow can be arranged so that blue and green are not adjacent. ये पुराना सवाल है, इसको अब हम अलग, इसको वी विल यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एज वेल. पहले तो इसको पुराने तरीके से करते हैं. ये वही वाला सवाल है बेटा जिसमें दो ओ साथ में नहीं होने चाहिए. एडजेसेंट का मतलब होता है अगल बगल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट? अगल बगल मतलब नॉट टुगेदर. कैसे निकालते थे? टोटल माइनस टुगेदर. ठीक है, तो आपको सेवन कलर्स तो पता ही होंगे. क्या होते हैं सेवन कलर्स? विबग्योर. ठीक है, तो ये विबग्योर सेवन कलर्स है. आपको पता है VIBGYOR. और आपसे क्या बोला है? आपसे बोला है कि बी और जी, बी एंड जी, ब्लू एंड ग्रीन कलर आर नॉट एडजेसेंट. तो ये टुगेदर नहीं होने चाहिए. तो पहले हम टुगेदर वाला पार्ट निकाल लेते हैं. अच्छा, टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल तो बहुत ईजी है. टोटल कैसे आ जाएगा? अच्छा, अगर मुझे हाँ, अच्छा ओके ठीक है. चलो ओके. मैंने आपसे कहा कि कभी भी अगर आपको नॉट एडजेसेंट या नॉट टुगेदर निकालना है तो हम क्या करेंगे? नॉट टुगेदर निकालने का तरीका क्या है? मैंने कहा था हमेशा आपको ये फॉलो करना है, नॉट टुगेदर इज नथिंग बट टोटल माइनस टुगेदर. ठीक है, अच्छा टोटल फाइंड करना तो बहुत ईजी है. अच्छा कितने लोग हैं? 1, 2. अभी मैं इसको मिक्स नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, अभी इनको मैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सात कलर्स हैं. सात कलर्स को सात जगह अरेंज करने का तरीका होता है 7 factorial. कोई कलर रिपीट हो रहा है रेनबो में? नहीं. अच्छा माइनस टुगेदर कैसे निकालेंगे? टुगेदर में मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक डब्बे में बंद कर दूंगा. ठीक है, अच्छा लेकिन डब्बे में बंद तो मैंने कर दिया, लेकिन इनकी अपनी पोजिशन तो है ही अंदर. अच्छा अब टोटल कितनी पोजिशन हो गई? फील काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6. अच्छा छः लोगों को छः जगह अरेंज करने के तरीके कितने हैं? 6 factorial. लेकिन जो बीजी है, जो टुगेदर रहेंगे, वो भी तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं अंदर इनटू 2 factorial. तो आपका आंसर आ जाएगा नॉट टुगेदर. फॉर आंसर्स आई एम जस्ट टेलिंग यू द नंबर ऑफ वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. वी कैन ऑल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन हियर. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सी, अब आपने क्या करना है, देखो आप चाहे तो जो आपके रिमेनिंग, अब जो आपके पुराने क्वेश्चन है ना, वहाँ पर भी आप, हमने यही तो फंडा लगाया था पुराने क्वेश्चन में, वहाँ पर भी यू कैन यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन नाउ. ठीक है, अच्छा एक तो हम लोग वाला फंडा भी यूज़ कर सकते हैं बेटा, जैसे विबग्योर है, तो मैंने VIYOR पहले लिख दिया, क्योंकि मुझे बी जी को ऐसे अरेंज करना है कि बी जी एक साथ नहीं आने चाहिए. तो बी को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी आ सकता है बी और जी, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी. तो बी एन जी के यहीं आएंगे. सपोज यहाँ भी आ गया, यहाँ जी आ गया, तो रिमेनिंग ऐसे रहेगा. यहाँ भी आ गया, यहाँ जी आ गया, तो ये सारी वो सिचुएशंस हैं जिसमें बी और जी कभी भी साथ में नहीं होंगे. आपको पहले वो आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई दिस, जहाँ पर बी एन जी साथ में नहीं होंगे. ये समझ में आया ना मैंने कैसे बनाया? तो मैंने क्या करा, रिमेनिंग लेटर्स लिखे और उन रिमेनिंग लेटर्स को मैं कहीं ना कहीं बीच में ला रहा हूँ ताकि बी एन जी मेरे साथ में ना आए. तो अच्छा अभी जो रिमेनिंग लेटर्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनकी जगह तो फिक्स है, ये तो यही रहेंगे, इनकी जगह फिक्स है 1, 2, 3, 4, 5. अच्छा इनकी जगह फिक्स है, इन पाँच जगहों में पाँच लोगों को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे? 5 factorial. और बाकी रिमेनिंग जो रिमेनिंग स्पेसेस बन गई, बच गई, ठीक है, जो रिमेनिंग स्पेसेस बच गई, ये यहाँ पर आप देखोगे स्पेस ज़्यादा है और मेरे पास लेटर सिर्फ दो हैं, तो मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा? रिंग मेथड अगेन, फेंकने वाला. अच्छा अगर मैं फेंकता हूँ तो अभी तो कहानी अभी अंडर प्रोसेस है. अच्छा तो बी को मैं कहाँ फेंक सकता हूँ? कितनी जगह है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जगहें फेंकने की, 6 में से कहीं भी आ सकता है. चलो यहाँ आ गया, सपोज यहाँ फिक्स हो गया, उसके बाद जी के लिए कितनी जगह और बची? 5 जगह और बची. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे, दिस इज द फर्स्ट मेथड, दिस इज द सेकेंड मेथड, ये भी हमने किया है. अब थर्ड मेथड भी देख लो बेटा, थर्ड मेथड क्या कहता है? थर्ड मेथड ये कहता है कि आप इस सवाल को सिलेक्शन के थ्रू भी कर सकते हो. कैसे? ध्यान से देखो,
यहाँ से देखो उस चीज़ को. अच्छा पांच लोगों को पांच जगह अरेंज करने के तरीके तो 5 फैक्टोरियल ही हैं. अभी चीज़ें अंडर प्रोसेस हैं. अब मेरे पास 6 जगह हैं जहाँ पर मुझे बी और जी को बिठाना है. तो क्या मैं उन 6 जगहों में से, 6 जगह कौन सी है वो 1 2 3 4 5 6, क्या उन 6 जगहों में से, क्योंकि दो लोगों को बिठाना है, क्या मैं उन 6 जगहों में से पहले दो ले लूँ? दो जगह टोटल नंबर ऑफ वेज यही तो आएंगे. सो व्हाट आई हैव डन फर्स्ट, आई हैव सेलेक्ट दोज टू प्लेसेस फॉर बी एन जी. और वो दो प्लेसेस कैसी हैं? वो ऐसे ही हैं कि उनके बीच में कोई ना कोई अदर लेटर आएगा ही आएगा, ताकि बी और जी कभी भी एक दूसरे के एडजेसेंट ना आए. सो व्हाट आई हैव टेकन, आई हैव टेकन 2 out of 6. एंड देन व्हाट आई हैव डन, जो उन दो को लिया है उन दो को भी तो वो भी तो अपनी जगह चेंज कर सकते हैं, उन दो को अरेंज करने के तरीके. व्हाट आई हैव टेकन 2 places out of 6 फर्स्ट, देन उन 2 places में दो लोगों को बिठाने के तरीके होते हैं 2 factorial. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 factorial में तो एक कौन से आ गए, ये वो 5 letters आ गए जिनको मैं कहीं भी जिनकी जगह फिक्स है. ये 5 letters हैं जिनकी जगह फिक्स है. उसके अलावा जो 6 मैंने जगह बनाई है किसके लिए, बी और जी के लिए. और वो जगह मैंने ऐसे बनाई है ताकि और बी और जी कभी भी साथ में ना आ सके. तो उन 6 जगहों में से मैं कोई से भी 2 ले सकता हूँ. उसको चुनने के तरीके क्या होते हैं, 6C2. और जैसे मैंने 2 जगह चुनी, अब उन 2 जगहों में, अब मैंने 2 जगह चुन ली बेटा, आई हैव सेलेक्टेड 2 places हियर, यहाँ पर 2 जगह चुन ली मैंने, उन 2 जगहों में उन 2 लोगों को बिठाने के तरीके क्या है. फंडामेंटली सब एक ही चीज़ होता है, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा. आप इसको सॉल्व कर लो, 6C2 कितना होता है, 6 factorial upon 2 factorial into 4 factorial, ये जगह 6 into 5 into 4 कैंसिल जाएगा, सेम चीज़ आएगी, यू विल गेट दिस ओनली, सॉल्व इट, यू विल गेट द सेम आंसर. 5 factorial होता है 120, 6 5 30 ना, तो 3600. अगेन इफ यू सॉल्व दिस यू विल गेट द सेम आंसर. आप चाहो तो इंडिविजुअली लिख लेना इनके नीचे. तो इसका मतलब सर, हमने जो पीछे क्वेश्चंस करे बनाना एंड ऑल सारे, वो जहाँ पर दो ओ शुड नॉट बी टुगेदर, वो आप ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पर मैं अब आपका एक फंडा क्लियर होगा, सर ये परम्यूटेशन का कंसेप्ट यूज़ करूँ कि कॉम्बिनेशन का? आपको ये मालूम होना चाहिए कि परम्यूटेशन इट्सेल्फ इज कॉम्बिनेशन. आप परम्यूटेशन के सवाल में कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो. तो वो मिथ अपने दिमाग से हटा देना, वो कन्फ्यूजन हटा देना कि मुझे फंडा क्या, मुझे कहाँ परम्यूटेशन यूज़ करना है, कहाँ मुझे कॉम्बिनेशन यूज़ करना है. तो देर इज़ नो सच मिथ. जितने भी परम्यूटेशन के क्वेश्चन होंगे वहाँ पर आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं एज यू विश. और जहाँ पर सिर्फ कॉम्बिनेशन ही है तो वहाँ पर मैं कॉम्बिनेशन ही लगाऊंगा, जहाँ पर मुझे सिर्फ सेलेक्ट करना है, क्योंकि सेलेक्ट करके अरेंज करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, परम्यूटेशन. परम्यूटेशन का मतलब ही है कि सेलेक्ट फर्स्ट एंड देन अरेंज. चीज़ें जो आपके एग्जाम्स में आए उनको कर लेते हैं. अच्छा सवाल है, देखो 3 तरीके से करें हमने. फर्स्ट मेथड जो आपको ऑलरेडी आता था, सेकंड मेथड ये भी आता था आपको, थर्ड मेथड आप अपने कॉम्बिनेशन भी लगा के देख लिया इसमें. अगला सवाल लिखना, इन हाउ मेनी वेज Can a team of 11 players be selected? In how many ways? ये NDA में है. In how many ways can a team of 11 players? Can a team of 11 players be selected? Be selected out of 16 players? Out of 16 players. ठीक है. अच्छा मेरे पास प्लेयर्स बल्क में है बेटा, मेरे पास 16 है और 16 में से मुझे 11 की टीम बनानी है. तो वही बात हो गई कि मेरे पास 9 बच्चे हैं, 9 बच्चों में से मुझे 2 की टीम बनानी है. तो मैं 2 इनको भी चुन सकता हूँ, 2 ये भी हैं, 2 ये भी हैं. तो क्या हो जाएगा, 9C2. और इस केस में 16 में से अगर मुझे 11 की टीम बनानी है तो सो सिंपल, NDA का सवाल है, निकालो आंसर कितना आ रहा है. कैलकुलेशन में भी आप शुड बी वेरी फास्ट इन कैलकुलेशन. हाउ मेनी वेज अ कमिटी कैन बी फॉर्म्ड, क्वेश्चन है. अच्छा सवाल है, How many ways a committee of five members can be formed, जिसमें अलग अलग पार्ट है. फिर ए पार्ट है आपका from 6 men and 5 women, ठीक है, 6 men and 5 women, ठीक है. तो पहला पार्ट तो आपका ये है कि 6
आदमी हैं और पांच औरतें हैं, उनमें से आपको पांच लोगों की एक कमेटी बनानी है। इसका बी पार्ट है इंक्लूड्स टू वुमेन, उस कमेटी में दो औरतें होनी ही चाहिए, इंक्लूड्स टू वुमेन। सी पार्ट है एटलीस्ट टू वुमेन, कम से कम दो औरतें, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हैं एटलीस्ट टू वुमेन। डी एटमोस्ट टू वुमेन, अच्छा सवाल है, और प्रोबेबिलिटी में तो एटलीस्ट एटमोस्ट ये टर्म्स बहुत यूज़ होने वाले हैं बेटा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अभी से इसमें अच्छी कमांड रखना। अच्छा पहला पार्ट क्या है, अच्छा आपको क्या करना है बेटा, पांच लोगों की कमेटी बनानी है। आपके पास टोटल कितने लोग हैं, टोटल आपके पास 11 लोग हैं, 11 जिसमें से 6 आदमी हैं और 5 औरतें हैं। पहले सवाल में, पहले पार्ट में आपसे ये नहीं कहा गया है कि इतने उसमें आदमी होने चाहिए, इतनी औरत होनी चाहिए। तो पहले पार्ट में 11 में से आपको 5 लोगों की क्या बनानी है, कमेटी बनानी है। तो 11C5 विल बी द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। बी पार्ट इज थोड़ा सा ट्रिकी, सी और डी पार्ट अच्छे हैं। तो पहला पार्ट तो बहुत आसान है, 11 लोग हैं जिसमें से 6 आदमी हैं, 5 औरतें हैं, 11 में से 5 लोगों की कमेटी बनानी है, आपने टोटल तरीके ही है। दूसरा पार्ट लिखना इंक्लूड्स टू वुमेन, अब वो बोल रहा है कमेटी ऐसी हो, 5 मेंबर्स की कमेटी ऐसी हो जिसमें कम से कम 2 महिला हो। ध्यान से देखना, 2 महिला हो तो महिला टोटल कितनी है, 5। तो सबसे पहले 5 में से 2 महिलाएं ले लो, सिलेक्ट कर लो, क्या आपकी कमेटी बन गई। अब यहां से इससे क्या हुआ बेटा, 5C2 से क्या हुआ कि 2 महिलाएं मेरी फिक्स हो गई, उस कमेटी में 2 महिलाएं होंगी ही होंगी। तो 5 में से 2 आप क्या ले लो, महिलाएं ले लो, साथ साथ 6 में से 3 आदमी ले लो। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमेशा 2 महिलाएं तो होंगी होंगी उस कमेटी में। अच्छा ये पार्ट क्या है, एटलीस्ट 2 वुमेन, बेटा एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम दो का मतलब क्या आता है। अच्छा आपको कमेटी कितने लोगों की बनानी है, 5 लोगों, उस कमेटी में 2 औरतें हो सकती हैं, कम से कम 2 औरतों का मतलब क्या है, कम से कम 2 औरतें हो सकती हैं, या 3 औरतें भी हो सकती हैं, या 4 औरतें भी हो सकती हैं, या 5 की 5 औरतें भी हो सकती हैं। एटलीस्ट का मतलब ये है, अगर मैं बोलूँगा बेटा हमें एक कमेटी बनानी है जिसमें कम से कम 2 औरतें तो हुई हों, तो आपका इसका मतलब क्या समझोगे आप, व्हाट विल इंटरप्रेट, कि उसमें मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जितनी लिमिट है। अब कमेटी 5 लोगों की है तो भाई अब आप 6 थोड़ा बोलोगे, और वैसे भी औरतें हमारे पास 5 ही हैं, ठीक है। तो जितनी लिमिट है मैक्सिमम वहीं तक जाएगा। सपोज अगर मेरे पास, इफ़ आई हैव 10 रुपीज एंड समवन हैज टोल्ड मी टू ब्रिंग एटलीस्ट 5 रुपीज, तो मैं मैक्सिमम कितने ला सकता हूँ, 6 वाली कंडीशन भी आ सकती है, 7 भी ला सकता हूँ, 8 भी ला सकता हूँ, 9 भी ला सकता हूँ, या मैक्सिमम 10 भी ला सकता हूँ। तो या आ रहा है ना, 6 भी ला सकता हूँ, या 7 या 8। तो उसी तरीके से उस में या तो 2 औरतें हो सकती है, या 3, या तो कैसे बनेगा, बहुत ईजी है। अच्छा जब 2 औरतें हो सकती है तो मैं इसको ऐसे ले लूँ, 5C2 इंटू 6C3। ऐसे भी एक कमेटी बन सकती है 5 मेंबर्स की जिसमें एटलीस्ट 2 हों, या 3 हों। तो आदमी कितने जाएंगे फिर, 2, या कितनी औरतें हों, 4 हों, तो आदमी कितने जाएंगे हिसाब से, फिर 1 हो जाएंगे, फिर 5, या 5 में से 5 औरतें हों, और उस केस में आदमी कितने जाएंगे, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कोई शक, ये समझ में आया, एटलीस्ट 2 वुमेन। अच्छा एटमोस्ट का मतलब क्या है बेटा, एटमोस्ट अगर आपसे मैं कहूंगी बेटा आपको ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए लाने हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए, मतलब ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है, मैक्सिमम लिमिट 10 है, कम से कम कितने हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। अब कम से कम की कोई लिमिट नहीं, तो कम से कम कोई चीज़ क्या होगी, 0। तो यहाँ पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 औरतें हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 औरतें का मतलब क्या है, कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 औरतें हो सकती हैं, या 1 औरत भी हो सकती है, या 0 भी हो सकती है। करो इसे फटाफट से, तो उसको आप ऐसे कर लोगे, दिस विल बी 5C2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 औरतें और 6 में से 3 आदमी, या 5 में से 1 औरत और 6 में से 4, या 5 में से
एक भी औरत नहीं और छः में से पाँच के पाँच आदमी आ रहा है 462। अच्छा दूसरे का इंक्लूड टू वेमेन में कितना आ रहा है 200 इज द राइट आंसर। अच्छा सी का क्या है, सी में आपसे क्या पूछा हुआ है, सी में आपसे पूछा एटलीस्ट टू वुमेन, कितना आ रहा है 381 बिल्कुल सही। और लास्ट का 281 बिल्कुल सही। ठीक है तो कैलकुलेशन वाइज भी बेटा यू शुड बी साउंड। ठीक है कोई शक, एक और सवाल दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए ना, इट इज़ ओनली फॉर प्रैक्टिस, ऑलरेडी वी हैव डन। क्यों दे रहा हूँ क्योंकि एनडीए में आया, ये सारे एनडीए के सवाल करा रहा हूँ मैं आपको, क्यों दे रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में आया। क्वेश्चन लिखा ये समझ में आया, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा लेकिन यू शुड बी वेरी फास्ट इन कैलकुलेशन एज वेल। ठीक है उसकी प्रैक्टिस घर पे करके होगी। अगला सवाल है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू CHORDS कॉर्ड्स पता ना वो क्या होती है, सर्कल में कॉर्ड्स क्या होते हैं, सर्कल के आउटर पेरीफेरी को टच करना है आपने एक लाइन से, दैट विल बी द कॉर्ड। फॉर एग्जांपल डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, तो ऐसे सर्कल के अंदर कितनी कॉर्ड्स बनेंगी थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, 21 पॉइंट है कितने बनेंगी, एक कॉर्ड बनने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए, हाँ टू, तो माई आंसर विल बी 21C2। एनडीए में आया क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन द सर्कल 21C2, माई आंसर विल बी 21C2। कितना आंसर आ रहा है 210, वेरी गुड। अगला सवाल पे आ जाओ सीधा, सारे ये ईजी सवाल हैं, सिर्फ थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन स्पीड दिख रहा हूँ। थ्री पैरेलल लाइन्स इंटरसेक्ट विथ फोर पैरेलल लाइन्स विच आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर, वो सारी लाइन्स आपस में पैरेलल नहीं है। ठीक है विच आर नॉट पैरेलल टू वन अनदर, हाउ मेनी पैरेलोग्राम्स आर फॉर्म्ड, जल्दी आंसर बताओ मुझे, सेम सवाल है ऑलरेडी वी हैव डन, कितने पैरेलोग्राम बनेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन अ चेस बोर्ड। अभी सवाल वही कर सकता है जिसने चेस खेला हो और जिसको पता हो, जिसने ऑब्जर्व किया हो। चेस बोर्ड देखा है ना आपने, उसमें टोटल कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे दैट यू हैव टू फाइंड। ठीक है ऑप्शंस दिए हैं A894, पहला ऑप्शन है A894, बी ऑप्शन है 1296, सी ऑप्शन है 1536 और डी ऑप्शन है 1834। ठीक है तो बेटा जो चेस बोर्ड होता है उसमें टोटल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस कितनी होती हैं, हाँ एट नहीं, उसमें जो रेक्टेंगल्स होते हैं या स्क्वायर्स भी बोल सकते हो आप उन्हें, वो होंगे एट। और आठ कैसे बनेंगे आप ही बना लो, आठ डब्बे बना लो, कितनी लाइन्स चाहिए होंगे आपको आठ डब्बे बनाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेटा 9 लाइन्स बनानी पड़ेगी आपको। अगर आपको ये देखो ना, अब गिनो ये डब्बे, अभी सारे डब्बे गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आठ डब्बे बन रहे तो लाइन्स कितनी चाहिए, 9। सिमिलरली यहाँ पर भी कितनी लाइन्स होंगी ऐसी, 9। तो आप कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे, बहुत आसान है, बस एक रेक्टेंगल बनाने के लिए अगर मैं किसी भी एक में फोकस करूं तो आपको नाइन लाइन में से आपको दो लाइन सेलेक्ट करनी है, और यहां पर भी 9 लाइन में से आपको दो लाइन सेलेक्ट करनी है, तो आंसर विल बी 9C2 × 9C2। आप लिख लेना बेटा, चेस में लाइन्स कितनी होती हैं, 9 लाइन्स होती हैं, और स्क्वायर या रेक्टेंगल्स कितने होते हैं, 8 ना, चाहे आप हॉरिजॉन्टली देख लो चाहे वर्टिकली देख लो। वेरी गुड 1296 इज द आंसर। ठीक है कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी एकदम
यू आगे बढ़ते हैं, ये आप कर लोगे। अच्छा एक और कर लो लास्ट, ये और इसमें भी कैलकुलेशन है, फिर विल मूव ऑन, ठीक है। ये क्योंकि एनडीए में आया इसलिए करा रहा हूँ। क्वेश्चन है इन अ फुटबॉल चैम्पियनशिप, इन अ फुटबॉल चैम्पियनशिप 153 मैचेस प्लेड, कोई फुटबॉल चैम्पियनशिप हुई जिसमें 153 मैचेस प्लेड, जिसमें 153 मैचेस खेले गए, ठीक है। फुटबॉल चैम्पियनशिप में 153 मैचेस खेले गए, फुल स्टॉप। लिखना, एवरी टीम प्लेड वन मैच विथ द अदर टीम। इसमें आपसे एक पॉइंट और बोला है कि एवरी टीम प्लेड वन मैच विथ द अदर टीम, विद द अदर टीम, फुल स्टॉप। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टीम पार्टिसिपेटेड इन द चैम्पियनशिप। हाउ मेनी टीम पार्टिसिपेटेड इन द चैम्पियनशिप, ठीक है। ऑप्शंस लिख लो, ये होमवर्क ले आपके, होमवर्क ऑप्शंस लिख लेना। अरे चैंपियनशिप का मतलब क्या है बेटा, कितनी टीम खेलेंगी, एक मैच खेलने के लिए कितनी टीम चाहिए, दो। जैसे एक हाथ मिलाने के लिए कितने लोग चाहिए, दो। तो हैंडशेक्स अगर कितने लोग हैं टोटल अगर 10 लोग हैं तो कितने हैंडशेक्स होंगे, 10c2। उसी तरह अगर टोटल 10 टीम है तो कितने मैचेस होंगे, 10c2। तो यहाँ पर वो आप कितनी टीम को क्या लोगे, आप एन ले लोगे, NC2 विल बी इक्वल टू 153। आंसर नहीं 153 ना, 153 है ना, तो आप उससे फिर n निकाल लोगे। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, यू विल गेट टू वैल्यूज, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, यू विल टेक दैट पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। तो आसान सवाल है, अगला सवाल लिखना। गिवन डिजिट्स आर आपको ऐसे डिजिट्स दिए 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, दो बार दिया है, 3 बार दिया है, 4 बार दिया है आपको, ठीक है। दिस आर द डिजिट्स गिवन टू यू, फुल स्टॉप। फाइंड हाउ मेनी डिफरेंट हाँ बेटा डिफरेंट नॉट सेम, हाउ मेनी डिफरेंट फोर डिजिट नंबर्स greater than 3000 can be formed। ऑप्शंस लिखना, A50 ऐसे टोटल 50 आपके फोर डिजिट नंबर्स बनेंगे, B51, C52, D54, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क ले, हेडिंग डालना सर्कुलर परम्यूटेशन। अच्छा सवाल है 3000 वाला, इस पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, एनालाइज करना पड़ेगा उस चीज़ को अच्छे से, क्या कह रहा है, ठीक है। हाउ मेनी टोटल डिजिट्स आर गिवन टू यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक फोर डिजिट नंबर्स, आपको एनी को यूज़ करके फोर डिफरेंट, सेम भी नहीं होने चाहिए, और उस केस में क्या होना चाहिए कि आपके वो 3000 से ऊपर हों, ठीक है। इसका मतलब पहली डिजिट आप 2 तो रख नहीं सकते, 3 से करोगे शुरुआत, समझ रहे हो बात को, ठीक है। हेडिंग डालना सर्कुलर परम्यूटेशन, क्या है हेडिंग, सर्कुलर परम्यूटेशन। अच्छा बहुत ही आसान है बेटा, लेकिन आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझना पड़ता है। अच्छा हमने रो वाला परम्यूटेशन तो देख लिया, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। जैसे सपोज 1, 2, 3, 4, 5 लोग हैं, 5 लोगों को 5 जगह अरेंज करने के तरीके थे 5 फैक्टोरियल, थे कि नहीं थे। और ये 5 लोगों को 5 जगह तो हमें पता था ना, ये जगह कौन सी जगह है, ये मेरी पहली जगह है, ये मेरी दूसरी जगह है, ये मेरी तीसरी जगह है, ये मेरी चौथी, ये मेरी पांचवी जगह है। लेकिन सर्कुलर में ध्यान से देखना बेटा, ये तो मेरा एक रो परम्यूटेशन था, एक स्ट्रेट लाइन परम्यूटेशन था। लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर ऐसी 5 लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो इन 5 लोगों को 5 जगह अरेंज करने के तरीके इज नॉट 5 फैक्टोरियल बेटा। क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें आपको पता ही नहीं फर्स्ट पोजीशन क्या है,
क्या आपको पता है इसमें फर्स्ट पोजिशन क्या है? कुछ भी नहीं है फर्स्ट पोजिशन. तो आप इसमें क्या करते हो, यू टेक वन बाई डिफॉल्ट, किसी को भी आप एक, क्योंकि डेफिनेटली बेटा जो चेंजेस आने वाले ना, देखो यहाँ पर तो ये जो फर्स्ट पोजिशन है ना, ये चेंज कर सकता है, कहीं भी जा सकता है. इसलिए टोटल कितना है, 5 फैक्टोरियल आए. इसमें आपको एक किसी भी एक को फिक्स करना पड़ेगा, आपको किसी भी, तभी तो आपको, तभी तो अरेंजमेंट निकाल सकते हो, नहीं तो इसमें पता ही नहीं आपको फर्स्ट पोजिशन क्या है. अगर आप इसको फिक्स करते हो सपोज, तब आप इसके अनुसार आप ये कह सकते हो कि इसके लेफ्ट में, क्यों कह रहा हूँ मैं लेफ्ट में बेटा, सपोज अगर आप यहाँ पर बैठे हो, सपोज ये टेबल है और अगर आप बैठे हो, अगर आपका फेस ऐसा है आगे की तरफ, तो ये लेफ्ट हैंड विल बी लाइक दिस ना, तो तब आप अरेंज कर सकते हो कि आपके लेफ्ट हैंड में ये है या राइट हैंड में ये है. तो सर्कुलर परम्यूटेशन में हमेशा जब भी मैं अरेंजमेंट निकालता हूँ तो वो एक कम आते हैं, तो 5 फैक्टोरियल नहीं आगा, वो आएगा 5-1 फैक्टोरियल. क्योंकि आपको किसी भी एक बंदे को फिक्स करना पड़ता है उस ओरिएंटेशन के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो हमें पता ही नहीं ना फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है. तो एक को तो फर्स्ट लेना पड़ेगा, एक को तो फिक्स करना पड़ेगा. यहाँ पर तो हमें पता है, यहाँ पर भी नो कि फर्स्ट पोजिशन है ये लास्ट पोजिशन है, यहाँ पर तो कुछ पता ही नहीं रहता हमें. फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं जोड़, जैसे मैं बोलूँगा 5 खत्म हो गया मामला, अगर मैं इसको फिर यहीं जोड़ दूँ तो फिर हमें कौन सा पता चलेगा कौन सा फर्स्ट है कौन सा लास्ट है. इसलिए हमेशा याद रखना, सर्कुलर परम्यूटेशन विल बी ऑलवेज एन माइनस वन फैक्टोरियल. वेन और इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब क्लॉकवाइज परम्यूटेशन और एंटी क्लॉकवाइज परम्यूटेशन अलग अलग हों. अलग अलग का मतलब क्या है, जैसे अगर यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर जैसे बैठा हुआ है ए, यहाँ पर बैठा हुआ है बी, यहाँ पर बैठा हुआ है सी, यहाँ पर बैठा हुआ है डी, यहाँ पर बैठा हुआ है ई, यहाँ पर बैठा हुआ है एफ. अगर मैं क्लॉकवाइज परम्यूटेशन लूँगा तो कुछ अरेंजमेंट ऐसे आएंगे ए बी ऐसे करके, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज लूँगा तो कुछ अरेंजमेंट अलग आएंगे. तो यहाँ पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अलग अलग हैं. जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अलग अलग होते हैं तो कितने लोग हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इन 6 लोगों को सर्कुलरली अरेंज करने का तरीका हो जाएगा 6-1 फैक्टोरियल. वेन क्लॉकवाइज अरेंजमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट, यहाँ पर ये अलग है ये अलग है. लेकिन बहुत सारे केसेस में बेटा, बहुत सारे केसेस में अगर सब एक ही हैं, सपोज सब एक ही हैं, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सब एक जैसे लोग हैं, ठीक है, सब एक जैसी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर एक क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट तो सेम हो जाएगा बेटा. इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में आपको सिर्फ एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू करना पड़ता है. और यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं गार्लैंड वाले या नेकलेस वाले. फॉर एग्जांपल माला, मालाओं में फूल लगे हुए, अब यहाँ के फूल या यहाँ के फूल सब एक जैसे हैं, तो उसमें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट विल बी सेम. नेकलेस हो गया, नेकलेस में अगर हीरे लगे हुए हैं ऐसे सर्कुलर्स में, तो यहाँ से देखो या यहाँ से देखो अरेंजमेंट विल बी सेम. तो आंखें बंद करके अगर कभी भी गार्लैंड, गार्लैंड का मतलब होता है माला, या अगर नेकलेस का सवाल आ जाए तो डायरेक्टली विल यूज दिस फॉर्मूला, आंखें बंद करके बिना कुछ सोचे एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू. और वैसे भी अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई मेरी कि वाई वी हैव टेकन एन माइनस वन फैक्टोरियल, डजेंट मैटर, दिमाग में याद रखना सर्कुलर परम्यूटेशन में हम हमेशा नॉर्मल परम्यूटेशन से एक कम लेंगे फैक्टोरियल. 5 लोग हैं, 5 लोगों को अगर मुझे सर्कुलरली अरेंज करना है, सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर अरेंज करना है, तो इट आंसर विल बी 5-1 फैक्टोरियल या 4 फैक्टोरियल. और अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मेरा सेम है अरेंजमेंट, तो मैं अपॉन टू भी कर दूंगा. क्या बोलते हो, हेडिंग डाल दे सर्कुलर परम्यूटेशन, लिखना फर्स्ट पॉइंट. बेटा इतना आ गया ना, अगर आपको अभी देखना सवाल, ये समझ में आना चाहिए अच्छे से, लिखना, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट. नंबर ऑफ वेज टू अरेंज n थिंग्स इन अ सर्कल. अगर हमें n चीज़ें दी हैं, वैसे दो वैरायटी आएंगी इसमें, मैं आपको अभी एक डायग्राम बना के समझा दूंगा, इट्स वेरी इजी. अगर हमें n चीज़ें दी हैं और हमें उन n चीज़ों को ही मुझे अरेंज करना है सर्कल पे, सो इट्स आंसर विल बी n-1 फैक्टोरियल. देखो n-1 फैक्टोरियल कितना आंसर हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल. अगर हमें n चीज़ों को अरेंज करना है तो इट्स आंसर विल बी इज गिवन बाय n-1 फैक्टोरियल. ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में एक पॉइंट लिख लो, व्हेन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट. ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, ये कब है बेटा, ये कब आ रहा है n-1 फैक्टोरियल, जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स अलग अलग हैं. ठीक है, ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, व्हेन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट. अगला पॉइंट लिखना, इट्स वैल्यू इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल अपॉन टू. सेम चीज़, मैं चाहता था आपको पूरा स्टेटमेंट लिखा सकता था, लेकिन मैं सीधा फॉर्मूला लिखा रहा हूँ. नंबर ऑफ वेज
अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो किसमें, अगेन सर्कल में, तो उसका फॉर्मूला ये है, कब, व्हेन, ब्रैकेट में लिखना व्हेन, व्हेन व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम. पहले वाले में क्या था, डिफरेंट ना, पहले वाले में डिफरेंट लिखा ना आपने बेटा, व्हेन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर डिफरेंट. दूसरे वाले में क्या है, व्हेन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम, तो दूसरे वाले में क्या है, सेम. तीसरा पॉइंट लिखना, तीसरा पॉइंट ये लिखाऊंगा मैं आपको, कब होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम. तीसरा पॉइंट ये लिखाऊंगा मैं आपको, इन द केस ऑफ गार्लैंड और नेकलेस. अगर गार्लैंड और नेकलेस वाले सवाल आ जाए, गार्लैंड मतलब होता है माला, तो लिखना अगला पॉइंट. इन क्वेश्चंस अगला पॉइंट लिखना, इन क्वेश्चंस रिलेटेड टू गार्लैंड एंड नेकलेस, इन क्वेश्चंस रिलेटेड टू गार्लैंड एंड नेकलेस, गार्लैंड एंड नेकलेस कॉमा, we take clockwise and anti-clockwise arrangement same. We take clockwise and anti-clockwise arrangements same. ठीक है, same. तो formula क्या बन जाएगा, therefore formula क्या बन जाएगा, वही n minus 1 factorial upon 2. ठीक है, सीधा formula ये बन जाएगा. अच्छा, अब दो इसमें एक बड़े बेहतरीन सवाल है बेटा, अभी हम सवालों में आएंगे, आप बोलोगे अरे सर वाह मज़ा आ गया, अब आपको समझना पड़ेगा इन सवालों को. तो यहाँ पर सिर्फ दो ही वैरायटी हो सकती है. ठीक है, दो वैरायटी क्या हो सकती है यहाँ पर, हमेशा याद रखना सर्कुलर परम्यूटेशन में सिर्फ दो ही वैरायटी हो सकती है, और वो दो वैरायटी क्या है आपको वो भी समझना पड़ेगा. आपसे ये कह सकता है, वो आपको डायग्राम में समझ में आ जाएगा, आपसे कह सकता है कि सर्कुलर परम्यूटेशन में अगर इफ़ यू आर टेकिंग एन ऑब्जेक्ट्स, अगर आप टोटल आप एन ऑब्जेक्ट्स आप क्या कर रहे हो, सर्कुलर उसको परम्यूटेट अरेंज कर रहे हो, इन दैट केस अगेन वहाँ पर दो केसेस आ जाते हैं. अगर क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन या अरेंजमेंट इज नॉट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, इन दैट केस द फॉर्मूला विल बी एन माइनस वन फैक्टोरियल. दूसरी वैरायटी क्या है, अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन अगर सेम आ जाए, तो इन दैट केस एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन टू. अच्छा, दूसरा टाइप क्या है, दूसरे टाइप में आपसे ये भी कह सकता है कि इफ यू आर टेकिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन, सपोज मेरे पास 10 बच्चे हैं, और मुझे 10 के 10 बिठाने नहीं है बेटा राउंड द टेबल, 10 में से मुझे 4 चुनने हैं, उन चारों को बिठाऊंगा फिर मैं. ठीक है, अब मुझे 10 के 10 नहीं बिठाने, तो उसमें क्या तरीका हो जाएगा, अरे उसमें भी दो केस आ जाएंगे. एक केस अगर बाय द वे अगर क्लॉकवाइज उनका ओरिएंटेशन या उनका अरेंजमेंट अगर एंटी क्लॉकवाइज के बराबर नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा मैं पहले एन में से आर लोगों को चुनूंगा, ध्यान से देखना, और फिर उन आर लोगों को मैं क्या करूँगा, अरेंज करूंगा. और आर लोगों को सर्कुलर में अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, आर माइनस वन फैक्टोरियल, जैसे एन लोगों को क्या होता है, एन माइनस वन फैक्टोरियल, मतलब चुनना पहले इसमें आपको. या दूसरी वैरायटी हो सकती है व्हेन क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट, तो उस केस में मैं फिर से क्या करूंगा, मैं पहले एन सी आर लोग चुनूंगा, तो उन आर जो भी लोग होंगे उनका ओरिएंटेशन सेम होगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा, आर माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन, तो यही तो वैरायटी है इसमें, और क्या है, इसको बना लो एक बार, एंड वी विल कम टू नो ऑल द थिंग्स. फिर हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे कल, क्या बोलते हो? ठीक है.